गरीब बहन बेटियों की गरिमा और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए शौचालय बने। पेट तो भर भी नहीं करता है, कहाँ से 10,000 रुपया खर्चा करेंगे शौचालय में। अरे गरीब से गरीब तक मुफ्त LPG गैस कनेक्शन कैसे पहुँचे? हमको गैस नहीं मिला है, चूल्हे पर जरना चुन के बनाते हैं खाना। हर वर्ष गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। कितने रुपए का इलाज करवाया आप? 70-80 हजार रुपए का। अगर बिजली आ गई और रोशनी मिल गई। हम लोग का बिजली ये सब कुछ नहीं है, डिबिया ये सब जलाते हैं हम लोग, लालटेन वगैरह बस। विकास कहाँ हो? बदामी देवी, संदीप ठाकुर, पूनम देवी, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अब्बास, मेरा मरियम खातून, चुन्नी खातून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फारबिसगंज के इसी हवाई मैदान में कुछ देर पहले एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच पर बैठे कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की योजनाओं की गुणगान करते हुए जोरदार तरीके से अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन इन दावों का पड़ताल के लिए जब हम यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर निकले तो हमें कई ऐसे लोग मिले जिनके घर में आज भी खाना चूल्हा पर बनता है, उनके घर में बिजली नहीं पहुँची है इसीलिए रात में दिबिया जला करके अपना काम निपटाते हैं, आयुष्मान भारत योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें इलाज कराना पड़ता है और खुले में शौच करने को मजबूर है। कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? दो। दो क्लास में? तो घर में पढ़ने बैठती हैं आप रात में? हाँ। जोर से थोड़ा। हाँ। बैठती हैं? हाँ। कैसे बैठती हैं? रोशनी कहाँ से मिलती है आपको? दिव्या से। दिव्या से? हम लोग का बिजली ये सब कुछ नहीं है, डिबिया ये सब जलाते हैं हम लोग, लालटेन वगैरह बस। क्यों नहीं मिली आप लोग? हम लोग को मिली नहीं रहा, जो ना क्या करेंगे हम लोग, जो ना कुछ कर भी रहे हैं तो आगे कहीं कोई सुनवाई नहीं होता। क्या प्रयास किए हैं अब तक? जो ना कागज फागज जो ना भर के भी दिए बिजली से ऑफिस में, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्या बता रहे हैं आखिर? बोल रहा है कि जो ना राशन कार्ड आया नहीं, राशन कार्ड में जो ना लप रहा है तो फन्ना जी लाओ वो लाओ, तो कहाँ से होगा? और राशन कार्ड का जिन्हें दिए तो बोलता बाहर आया दह गया कागज, राशन कार्ड भी नहीं आ रहा, क्या करें हम लोग? तो अभी बगैर बिजली से आपका मतलब जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? पड़ रहा सर, जो ना बाल बच्चा जो ना रात में पढ़ नहीं सकता है, थोड़ा बहुत बहुत चीज़ का दिक्कत है, सांप वगैरह जो ना कीड़ा मकोड़ा सबसे सामना करना पड़ रहा है, क्या करेंगे? चूल्हा पर बनाते हैं हम लोग। क्या दिक्कत होता है चूल्हा में बनाने में? दिक्कत होता है, धियाँ धुकुर होता है चूल्हे में खाना बनाने में। तबियत बिगड़ता है उससे? हाँ बिगड़ता है कि आँख तक दर्द करता है। इसी तरीके से रोजाना खाना बनाती हैं क्या? हाँ इसी तरह रोजाना खाना बनाते हैं। हमको गैस नहीं मिला है। मिला नहीं है? नहीं, चूल्हे पर जरना चुन के बनाते हैं खाना। हमारा लोग का सब कुछ राशन उसन काट चे, लेकिन गैस उस नहीं पहुँचले, कहना 700-800 टका मांग रहे ले। 700-800 रुपये सिर्फ आप लोगों से मांगा जा रहा है या सबसे? सबसे मांग रहा है। आपके गाँव में आस पास में और किसी ने लिया है क्या? हाँ लिया, कि एगो ये घरवासी लिया, एक तो उधर लिया। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? 9 लोग। 9 लोगों का खाना एक ही चूल्हा में बनता है? हाँ एक ही चूल्हा में 9 लोग का खाना बनता है। मतलब पैसा नहीं बचता है, गैस छोड़ेंगे जलावन बीच के लाते हैं यही फील्ड पर से तब खाना बनाते हैं। तो आपका गैस क्या हुआ? गैस कल है, धर लिया है गैस, सिलेंडर। क्यों नहीं गैस में क्यों नहीं बनाती है? उतना पैसा नहीं बचता है खाना पी के, कहाँ से छोड़ेंगे, 800-900 रुपये लेता है। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे, भर दिन दुकान पर रहता है, 50 रुपया कमाता है, कभी 100 रुपया, कभी दवाई में चले जाते हैं, कभी कुछ में परेशानी रहते हैं जिंदगी से, क्या करें। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप इलाज के लिए उनको कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? बाज़ार जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी अगर जो करता है कहता है, नहीं तो पूर्णिया भेज देता है फिर सरकारी में। किसी हालत से कुछ जिया तो जिया, जान बचाएगा तो रिटायर कर देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोटा को ले आते हैं हम घर, चल जाता है। अभी आप दिखा रहे थे आपके जितने भी दवाई हैं और आपका रिसीविंग देखा हम लोगों ने, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल है वो, तो ऐसे में क्या आप सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं या क्या? मतलब अभी बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल जाते हैं फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का आपके पास बिल है।
सरकारी हॉस्पिटल के दवाई काम नहीं करता है। हम लोग जो डॉक्टर प्राइवेट में जो इलाज किए तो वो दवाई सेट कर गया हमको, तो महीने महीना में 1,200 रुपया महीना लगता है दवाई में, तो हम दवाई लाते हैं महीना महीना में, हम खाते हैं दवाई महीना में, एक दिन कम रहता है फिर चले जाते हैं दवाई लेने के लिए। तो ये 1,200 रुपये आप अपने पॉकेट से खर्च करते हैं? पॉकेट से खर्च करते हैं, या चावल बेच कर हो या कुछ करके हो, मतलब जो हो करके हम लाते हैं, किसी हाल बहुत मजबूरी से लाते हैं, पैसा उधार करके लाते हैं। कि तबीयत जो ख़राब होती है तो ऐसे में आप दवाई वगैरह कहाँ से लेके आती हैं? ये 150 कमाता है मालिक साहब, वही से 10 रुपया गोली आन के खा के जीते हैं, क्या करें। तो सरकार की तरफ से दवाई खरीदने में कोई सुविधा नहीं मिल रही? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। शौचालय करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं सर। क्यों, मतलब शौचालय कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ खुले में, क्या करें, पेट तो भरवे नहीं करता है, कहाँ से 10,000 रुपया खर्चा करेंगे शौचालय में। है तो सब कुछ पास में लेकिन मिला नहीं, कुछ नहीं, बोला कि नहर पर को लोग को नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को नहीं मिलेगा? नहीं। क्या वजह बताया क्यों नहीं मिलेगा? नहर पर अपना जमीन नहीं है इसलिए, कैसे जाती है, दुआरे अंगना में बैठ जाता है, वह बाड़ी दूसरा घर वो जाने नहीं देता है, तो इधरे उधरे बैठ जाता है, क्या करेंगे, दिक्कत के हमारा। आपको बता दें कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी भूमिहीन है। इन परिवारों से बात करके कुछ देर के लिए हमें लगा कि सारी समस्याओं का जड़ इनका भूमिहीन होना है, लेकिन आगे बढ़ते ही हमारा यह भ्रम भी टूट गया। हमें ऐसा परिवार भी मिला जिनके पास अपना पर्याप्त जमीन होने के बावजूद भी सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं से अछूता है। ये जो घर मकान है यहाँ पर आपका, ये आपकी अपनी जमीन? अपनी जमीन में है। समस्या है सर, हम लोग को जो है राशन कार्ड नहीं मिला है, और प्लस में हम लोग को इंदिरा आवास ये सब भी मिलने वाला था, वो सब भी रुक गया, वो सब काम सब रोकवा दिया, वार्ड सदस्य है कौन है यही सब मिल के सब लेटरिन रूम का काम रोकवा दिया, नहीं मिला हम लोग को, लेटरिन का काम भी हाथ नहीं लगा हम लोग को। तो राशन कार्ड क्यों नहीं बना आपका? राशन कार्ड लगभग हम लोग का पाँच साल बेसिस से ही जो है, मतलब हम लोग का नहीं बना राशन कार्ड, मतलब कागज उगज सब लगाए और लगाने के बाद जो राशन कार्ड बन के आया नहीं हम लोग के पास कभी भी, इंतजारे में है राशन कार्ड आएगा अभी तक नहीं आया। 3-4 बार ब्लॉक में भी फॉर्म भरे हैं इन राशन कार्ड के लिए, पैसा तैसा कोर्ट में भी दिए हैं, अब आएगा अब बोल रहा है 2021 में 2022 में मिलेगा। अब जो प्रधानमंत्री का एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसके जरिए से कोई भी परिवार जो है 5 लाख रुपए तक का सालाना खर्च कर सकता है अपने इलाज के लिए कैशलेस तरीके से, आप उसका सेवा ले पा रहे हैं? वह है आपके नाम से नहीं बना, तो आप अपने काम करके ही अपने परिवार के लोगों का इलाज? अपना काम ही करके हर परिवार को मेंटेन करते हैं। मतलब सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही? सुविधा नहीं, अपना कमाते हैं, कैंची अस्तूरा चलाते हैं, 200-300-400 कमाते हैं, उसी से अपना घर चलाते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद उज्ज्वला योजना? कुछ नहीं। ODF? कुछ भी नहीं। सीमांचल में ये एक पहला ऐसा सभा था जहाँ पे NDA के सारे घटक दल के नेता यहाँ इस सभा में उपस्थित थे, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। ऐसे में जब सभी लोगों ने, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद थे, जब सभी लोगों ने जब योजनाओं की तारीफ़ की, गुणगान किया और उसके लिए पीठ थपथपाया, तो कम से कम वो अपने जो इनके स्थानीय नेता हैं उनसे इसकी हकीकत इतना तो जान सकते थे कि जहाँ हम सभा करने वाले हैं उससे बाहर निकलते ही उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं। आपके इलाके में भी विकास अगर ऐसे ही सुस्त है, लापता है या सो गया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम विकास को कॉल लगाएंगे और पूछेंगे, भाई विकास तुम कहाँ हो।